यूपी बिहार के उपचुनाव नतीजे आज। लोकसभा की सीटें सिर्फ 3, लेकिन नतीजे में छिपा है बड़ा संदेश। मोदी की लहर बरकरार या विपक्ष की एकता को मिलेगी 2019 के लिए ऑक्सीजन। योगी नीतीश का सबसे बड़ा टेस्ट, एबीपी न्यूज पर विशेष कवरेज। यूपी और बिहार में आज उपचुनाव के नतीजे आएंगे। योगी और नीतीश की साख दांव पर है। यूपी में जहां मुख्य टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में है, तो वहीं बिहार में लालू से नीतीश की टक्कर है। यूपी में लोकसभा की 2 सीट, जबकि बिहार में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 2 सीटों के आज नतीजे आने वाले हैं, और ये बहुत बड़ा टेस्ट है योगी और नीतीश के लिए। और आइए अब उपचुनाव नतीजों की बड़ी बातें आपको दिखा देते हैं कि बड़ी बातें क्या है, क्या मायने निकाले जाएंगे इस नतीजों के। देखिए, पहले यूपी में गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट के नतीजे आज आने वाले हैं। योगी और केशव प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से ये दोनों सीटें खाली हुई थी, जिस पर उपचुनाव हुआ। उधर गोरखपुर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर है। फूलपुर में भी बीजेपी और एसपी के बीच में मुख्य मुकाबला है। अब मोदी लहर बरकरार है, ये देखने वाली बात होगी। बिहार में अररिया लोकसभा सीट का उपचुनाव नतीजे का भी आज ऐलान होगा। आरजेडी की तस्लीमुद्दीन के निधन से खाली हुई थी सीट। बिहार में जहानाबाद और भभुआ विधानसभा के नतीजे भी आज आने वाले हैं। 2 विधानसभा की सीटें हैं, 3 लोकसभा की सीटें हैं। उपचुनाव में मुख्य मुकाबला नीतीश और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में होने वाला है, यानी कि जेडीयू वर्सेस आरजेडी की ये लड़ाई। और देखना होगा कि क्या नतीजे आज आते हैं, और ये नतीजे आने वाले दिनों में, आने वाले दिनों की राजनीति पर बहुत बड़ा असर डालेंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।